मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, ओनली पैलेस्टाइन, ओनली पैलेस्टाइन, वी रिजेक्ट टू नेशन। लगता है कि अनडिक्लेयर यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है। मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं भी मंदिरों के साथ में या हिंदू भाइयों के साथ में कुछ हुआ है तो हमारी सरकारों ने हमेशा एहतजाज किया है, अपना एहतजाज दर्ज किया है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में जा कर के उनके लोग सड़क पर उतरे हैं। आज हमारा जो रिश्ता है फ़लस्तीन से वो कोई दिखावटी नहीं है, हमारा रिश्ता फ़लस्तीन से आज से नहीं आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। और उस मस्जिद, वो हमारी मस्जिद जो है ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि 3 मस्जिदों की ज़्यारत, उसमें ये मस्जिद मस्जिद अक्सा है, वहाँ नमाज़ पढ़ने का 500 से 1000 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। हर मुसलमान को वहाँ जाना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए। उस मस्जिद पर, उस फ़लस्तीन पर जो है, जो कब्ज़ा हुआ है, वो जिस तरह से कब्ज़ा किया है, मैं समझता हूँ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। 1947 में फ़लस्तीन एक आज़ाद, एक हुकूमत थी, एक आज़ाद देश था, उसके बाद जानबूझ करके वहाँ ला के बसा दिया गया। और रोज़ाना फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, रोज़ाना जुल्म हो रहा है, और दुनिया देख रही है। UN क्या कर रहा है, देखने का किस तरह से अस्पताल पर बम मार दिया गया। और इस 70 सालों में कितनी बार वहाँ पर इसराइल ने हमला किया है, रोज़ाना उनकी ज़मीनें हड़प करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसाफ पसंद लोग इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू साहब ने, वाजपेयी साहब ने, मनसा ने, गांधी जी ने, सब ने फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ उठाई है। आज जो लोग फ़लस्तीन की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं, मैं समझता हूँ वो लोग जो बिल्कुल ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर हमने एक थोड़ा सा फ़लस्तीन के फेवर में सिर्फ आवाज़ और दुआ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो पुलिस परेशान कर रही है कि केस लेंगे। भाई क्यों केस लेंगे भाई, आप क्यों केस? हम क्या अपने मस्जिद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गया और उनके वहाँ से उसके जज्बात थे, उन्होंने मंदिर बना लिया, और अगर मैं अपनी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाऊं तो मेरे साथ जुल्म होगा। मैं समझता हूँ ये अगर ये इस तरह किया जाएगा, मैं समझता हूँ फिर ये इस देश से जमहूरियत का खात्मा हो चुका है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है देश के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, और अफसोस की बात है कि यहाँ से नाचने वाले जा रहे हैं, वहाँ पर गाना गाने नाचने जा रहे हैं, यहाँ से कुछ मीडिया के लोग जा करके वहाँ चमचागिरी कर रहे हैं, अस्पताल में बैठकर वहाँ से गलत रिपोर्टें भेज रहे हैं, और जो है ये इसराइल के फेवर में बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ख़राब हो रहा है, और अल जज़ीरा ने कहा है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ हिंदुस्तान के मीडिया दे रही है। ये तो अफसोस की बात है ये जो हो रहा है।